हैदराबाद से बीजेपी ने अपनी एक महिला कैंडिडेट को उतारा है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के अगेंस्ट में। तो ये महिला जिस तरह से बड़े बड़े दावे कर रही है, तो क्या ये वहाँ से ओवैसी को हरा पाएगी? जी, तेलंगाना की जो हैदराबाद सीट है वो हमेशा चर्चा में रही है, क्योंकि यहाँ से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सांसद हैं और ये AIMIM का गढ़ मानी जाती है। लेकिन जो कल जो खबर सामने आई, जैसे बीजेपी अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनका जो ऐलान करती है, उसमें 195 नाम थे, पहली लिस्ट थी, तो इसमें एक नाम होता है डॉक्टर माधवी लता का, और इनको जो हैदराबाद वाली सीट है वो दे दी जाती है। अच्छा। तो उसके बाद फौरन की चर्चा होने लगती है मीडिया पर भी। अब से पहले शायद इनको कोई जानता होगा, चंद लोग ही जानते होंगे, लेकिन अब इस बुनियाद पर इनको शोहरत तो मिल जाएगी, लोकप्रियता तो मिल जाएगी, क्योंकि ओवैसी इनके मुकाबिल में है। लेकिन इन्होंने जो एक बयान दिया था कि हैदराबाद में मंदिरों को कब्जा कर लिया जाता है, उन पर हमला हो जाता है और हिंदुओं के घरों को अवैध रूप से यानी हत्या लिया जाता है, तो इस तरीके से भी ये जो हैदराबाद की जनता है उसको एक तरह से भड़काने का काम कर रही है। इनकी जो पहचान है वो भी किसी सियासी नेता के रूप में नहीं है, एक जो हिंदुत्ववादी नेता के रूप में इनकी पहचान है, और ये हमेशा लोगों को भड़काने का काम ही करती है। लेकिन ये मतलब जिस तरह से दावे कर रही हैं वहाँ पे कि यहाँ पर जो मुसलमान हैं उनका ही राज चलता है और जो मंदिरें हैं और जो हिंदुओं के घर हैं उन पर कब्जा किया जाता है, क्या इस तरह से इमोशनल कार्ड खेल कर ये वहाँ से जीत सकती है? ये तो लोगों को एक तरह से अट्रैक्ट करने का तरीका है, और बीजेपी RSS की जो राजनीति रही वो इसी तरीके से रही है कि आप जो हिंदू जो वोटर हैं उनको आप मुसलमानों को खौफ दिलाओ, उनको खतरे में हो आप, हाँ, ये एहसास दिलाओ कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है, और अगर दोबारा से यहाँ से यहाँ पर यानी मुसलमानों का राज आ जाएगा, मुसलमानों की हुकूमत आ जाएगी, तो तुम्हारे साथ यानी बुरा होगा, तुम्हारा जो जीवन है वो यानी मुश्किल में पड़ जाएगा। तो इस तरीके से एक तरीका होता है। लेकिन ये जो महिला हैं डॉक्टर माधवी राज, ये यानी जो हिंदुत्ववादी जो विचारधारा उसको ही आगे बढ़ाते रही हैं, स्कूल कॉलेजों में भी इस तरीके के भाषण देती रही हैं और किसी अस्पताल को भी चलाती हैं, लेकिन अब अचानक से इनको एक ऐसी सीट पर यानी इनका टिकट दे देना जो जिस पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक सांसद ही नहीं है, AIMIM के अध्यक्ष भी हैं, और अगर आप इसकी पहले की तारीख देखोगे तो 1984 से ये जो सीट है वो AIMIM के कब्जे में रही है। हाँ, तो मतलब ये चीज़ भी है कि ये जो जिस तरह से भी ये डॉक्टर माधवी हैं जो इस वक्त चर्चा में है, जो हैदराबाद की सीट है चर्चा में है, ऐसा नहीं होगा कि ये पहली बार चर्चा में आई है, क्योंकि यहाँ से जो असदुद्दीन ओवैसी हर बार जीतते आ रहे हैं तो ये हर बार चर्चा में रहती होगी यकीनन। और जैसा कि 1984 से आप बता रहे हैं कि लगातार AIMIM का ये गढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं हर बार लोग इस तरह से वहाँ पे आते हैं वो चर्चा में रहते होंगे, लेकिन उनको हर बार शिकस्त का सामना करना पड़ता है। जी, हैदराबाद तो ऐसा शहर है, क्योंकि दूसरे जो संसदीय क्षेत्र हैं वो भी इतने मशहूर नहीं है, हैदराबाद को हर कोई जानता है, तो यहाँ से असदुद्दीन ओवैसी का लगातार 4 जीतना ये भी इस बात की अलामत है कि जो यहाँ की आवाम है वो AIMIM को पसंद करती है। सही बात। और यकीनन ओवैसी ने कोई अच्छे कार्य भी किए होंगे जिनको हर बार इतनी बड़ी संख्या में वोट मिलता है। अगर 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे तो उसमें बीजेपी की तरफ से भगवत राव को कैंडिडेट के तौर पर उतारा गया था, तो उनको सिर्फ 2,17,000 कुछ वोट मिले थे, और असदुद्दीन ओवैसी साहब को 5,00,000 से ज्यादा वोट मिले थे। बहुत बड़ा अंतर है, काफी बुरी तरह से हारी थी वहां पे बीजेपी, लेकिन फिर भी उनकी एक पहचान थी, लेकिन तो कोई जानता भी नहीं इनको, यानी बहुत कम लोग ही जानते हैं, और ये अभी अभी चर्चा में आई है। बिल्कुल सही बात। और तो इनका यानी जीतना सिर्फ मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन लगता है, और यहाँ से सिर्फ माधवी राज नहीं, बीजेपी का अगर कोई दूसरा बड़ा नेता भी हैदराबाद से ओवैसी के अगेंस्ट में आएगा तो उसको भी हार का सामना करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी क्यों ना हो, उसको भी हारना पड़ेगा यकीनन।